और ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाता है। बट हमारे उस ट्रेनिंग के पीछे बहुत मेहनत थी। ये मेहनत आपको मैं क्यों बता रही हूँ, तो आपको पता चलेगा कि आपकी कंपनी आपके ग्रोथ के लिए क्या क्या करती है। उस ट्रेनिंग में हम तीन लोग बैठते थे हमेशा, मैं, मेरे हस्बैंड और आलोक सर, ये तीन लोग बैठकर हम वो ट्रेनिंग किया करते थे। वो ट्रेनिंग जो हम करते थे तो कंप्लीट लॉकडाउन उस टाइम पे चल रहा था, मेरे घर पे आलोक सर अलाउड नहीं होते थे और आलोक सर के घर पे हम लोग अलाउड नहीं होते थे। तो रोज मेरे हस्बैंड आलोक सर को अपनी कार में बिठा के छुपा के अपनी बिल्डिंग में घुसाते थे और वॉचमैन को 200 रुपए खिलाते थे, क्योंकि वॉचमैन घुसने नहीं देता था उनको। कुछ दिनों तक आपने नोटिस किया कि दोपहर में 11 बजे ट्रेनिंग थी और कुछ दिनों के बाद शाम के 7 बजे ट्रेनिंग हो गई, क्योंकि कुछ दिनों के बाद मेरे वॉचमैन, वो मेरे वॉचमैन की वजह से हुआ था। मेरे वॉचमैन ने बोला कि मैडम सीसीटीवी कैमरे में आ गया है और अगर अभी किसी ने देख लिया तो मेरी जॉब चली जाएगी। तो आलोक सर ने बोला कि कोई बात नहीं, कल से मेरे वॉचमैन की बारी है। तो कल से मैं और मेरे हस्बैंड रात में, और वो उनके घर में रात में ही घुस सकते थे, तो इसलिए हमने ट्रेनिंग का टाइम शाम में कर दिया था। तो रोज सुबह शाम में मैं और मेरे हस्बैंड छुप छुपा के आलोक सर के घर में घुसते थे। मुझे 4 ऑडियंस मिलती थी, मेरे हस्बैंड, आलोक सर, आलोक सर की वाइफ, आलोक सर का बेटा, 4 लोग आगे बैठे रहते थे, फिर मैं ट्रेनिंग लगाती थी। उन 4 ऑडियंस के सामने पूरी लॉकडाउन की ट्रेनिंग हमने की थी। तो ऐसे हमारी ट्रेनिंग होती थी। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आपकी बहुत सारे लोग लॉकडाउन में ऐसे थी, बहुत सारी कंपनी ऐसी थी जिन्होंने लॉकडाउन में वेबसाइट बंद कर दी थी अपनी, लोगों का पेमेंट बंद हो गया था। हमारी एक सिंगल कंपनी थी जो लॉकडाउन में भी पेमेंट दे रही थी, ऑफर्स निकाल रही थी, प्रोडक्ट ट्रेनिंग कर रही थी, सेमिनार कर रही थी। लॉकडाउन में जो लोग नॉर्मली 10,000 कमाते थे उनकी इनकम 50,000 हो गई थी, लॉकडाउन में डबल हो गई थी। लॉकडाउन में उनकी इनकम डबल हो गई थी, खर्चा हो ही नहीं रहा था, घर से बाहर ही नहीं निकल रहा, बस अकाउंट में पैसे आ रहे थे। तो ये पावर होती है माय फ्रेंड हमारी कंपनी की, जो विजनरी कंपनी होती है ना उस तरीके से काम करती है। और हम बहुत लकी हैं कि एलिमेंट्स वेलनेस ब्रांड को बेस्ट हेल्थ केयर 2019 और 2022 का अवार्ड मिला है, जो पहली बार किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को मिला है। मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोग अंदर बाहर अंदर बाहर, 4 घंटे अगर हम नहीं बैठ पा रहे हैं तो प्लीज थोड़ा सा देखिए, मुझे यहाँ पे अगर 4 लोग भी आगे बैठे होंगे ना तो मेरा जोश वही रहेगा और लास्ट तक भी वही ट्रेनिंग लगाऊंगे। लेकिन मुझे लगता है ना कि यार ये इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी ये मिस करने वाले हैं। मैं आप लोगों के लिए ये सब चीजें सोचती हूँ, मेरे लिए 500 बैठे या 50 बैठे मेरे लिए उतना ही मैटर करता है। तो इसके लिए मैं चाहती हूँ कि आपको चीज मिस ना करें। ये सब ट्रेनिंग बार बार नहीं होती है, 4 साल के बाद मैं यहाँ पे आ रही हूँ। तो उस चीज की इम्पोर्टेंस करिए कि ये ट्रेनिंग आपको मिल रही है। कितने ऐसे एरिया में ट्रेनिंग हम दे ही नहीं पाते हैं, तो इसके लिए प्लीज अगर जो चीज मिल रही है उसकी इम्पोर्टेंस करिए। अगला जो हमारा ब्रांड है ये आयुर्वेदा पे बेस्ड है। आयुर्वेदा को अगर हम समझें तो कहते हैं कि हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से बना है। जिन 5 तत्वों से पूरा ब्रह्मांड बना है उन्हीं 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। और इन 5 तत्वों को मिला के 3 तरीके के दोष होते हैं, वात, पित्त, कफा। अगर आपके शरीर में चेस्ट, छाती के ऊपर की कोई बीमारी है, सिर का दर्द है, माइग्रेन है, थायराइड का प्रॉब्लम है, कॉफ है, निमोनिया है, अस्थमा है, ये सारी बीमारियां कफा के बढ़ने की वजह से होती हैं। आपको अगर पेट से रिलेटेड कोई बीमारी है, स्किन का कोई बीमारी है, आंखों से रिलेटेड कोई बीमारी है, तो वो पित्त के रिलेटेड, पित्त के बढ़ने से होती है। किसी को बहुत ज्यादा कमर में दर्द, बॉडी में पेन है, या किसी को बहुत ज्यादा रात में नींद ही नहीं आ रही है, ओवर थिंकिंग, बहुत सारी चीजें सोच रहे हैं, वायु, हवा, वायु, उनको नींद नहीं आएगी जल्दी, वो सब वात के बढ़ने से देखी जाती है। तो आयुर्वेद कहता है कि इन तीनों चीजों को संतुलन में रखना है, बैलेंस में रखना है। जब संतुलन में नहीं होता है तो बीमारियां बढ़ती हैं। इसीलिए हमारी कंपनी ने एक ऐसा ब्रांड निकाला जिसके ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो आपके सारे जो ये वात, पित्त, कफ है उसको संतुलित करने में मदद करते हैं, बैलेंस में रखने में मदद करते हैं। इसीलिए अच्छा, कभी अगर आपको कोई ये बोलता है कि आप तो आयुर्वेदिक डॉक्टर नहीं है तो आप कैसे प्रिस्क्राइब कर सकते हैं ये दवाइयाँ, तो आप क्या बोलेंगे, ये दवाइयाँ नहीं है, ये प्रोप्राइटरी आयुर्वेदिक मेडिसिन है, इसके लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है, डॉक्टर होने की जरूरत नहीं है, कोई भी नॉर्मल इंसान, किसी भी नॉर्मल इंसान को ये प्रोडक्ट दे सकता है। दूसरी चीज, अगर कोई बोलता है, आपने तो बोला सारे प्रोडक्ट आयुष सर्टिफाइड है, फीलिंग पे क्यों नहीं है आयुष का मां, नेचुरल पे क्यों नहीं है आयुष का मां, तो आप क्या बोलोगे, ये सप्लीमेंट्स है, सप्लीमेंट्स पे FSSAI का मार्क होता है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट पे आयुष का मार्क होता है, इसलिए हमारे उस सप्लीमेंट्स पे FSSAI का मार्क है। इनके पीछे बहुत सारे लोग हैं जिनकी मेहनत है, जैसे आपकी अपलाइन है, ये मेरी अपलाइन है, मिस्टर KK राजेश सर, ह्यूज लॉट ऑफ अप्लॉज फॉर आवर डॉक्टर, आवर साइंटिस्ट, हमारे ये प्रोजेक्ट कंसल्टेंट है, हमारे जिस जो भी जो मार्केटिंग होता है ये सारी चीजें ये देखते हैं, बहुत एक्सपीरियंस पर्सनालिटी है,
बहुत सारी डाबर जैसी कंपनीज में, हिंदुस्तान लिवर जैसी कंपनीज में इन्होंने वर्क किया है। हमारे साइंटिस्ट जिन्होंने सारे प्रोडक्ट्स को डिजाइन किया है, डॉक्टर डी जी ए अनंत नारायण सर। हमारे जो पर्सनल केयर के रेंज के प्रोडक्ट बनाते हैं, डॉक्टर के सी गवर्नन सर। सुरेश पटनागर सर जिन्होंने हमारा यूरी प्लस टैबलेट बनाया है, साइक्लोवा जिन्होंने बनाया है, एस के शर्मा सर, और सारे प्रोडक्ट्स की जो पैकेजिंग करती है मिसेस मृणाली मैम। ये हमारी टीम है जो हमारे प्रोडक्ट्स के पीछे काम करती है, और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जो हेड टीम है वो हमारी ये टीम है जो सारे प्रोडक्ट्स तक आप तक लेकर आते हैं। मुझे आज भी याद है, मैं बैंगलोर में थी, आज से 5 साल पहले हमारी मीटिंग थी, तो नारायण सर ने वहां पे एक चीज बोली थी कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के प्रोडक्ट बनाऊंगा, क्योंकि मार्केट में 90% डायरेक्ट सेलिंग कंपनी वही है। कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आओ, बस मेंबर बनाना है, लोगों को जोड़ना है, भले वो उनको रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तब उन्होंने प्रवीण चंदन सर से एक चीज बोली थी कि फ्यूचर में ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं कोई प्रोडक्ट बनाऊं और ये बोला जाए कि ये टेस्ट मत करो या ये चीज मत करो, खर्चा कम करो। तो प्रवीण चंदन सर का कहना था, अगर कोई प्रोडक्ट बनाने में आपको 1 करोड़ लगता है, मैं 5 करोड़ बैकअप में रखूंगा, लेकिन प्रोडक्ट की क्वालिटी में कभी बार्गेनिंग नहीं होगी। यही रीजन है सर। बताओ मुझे, मैं खुद को बहुत प्रिविलेज मानती हूँ कि मुझे डायरेक्टली साइंटिस्ट के साथ मिलने का मौका मिलता है, उनके साथ बात करने का मौका मिलता है। यही रीजन है कि जब आप उनके साथ रहोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि प्रोडक्ट के पीछे इंटेंशन कितने शुद्ध है, आपके इंटेंशन कितने प्योर है। आज जो साइंटिस्ट हमारे लिए प्रोडक्ट बनाते हैं ना माय फ्रेंड, सीरियसली बता रहे हैं, उनके इंटेंशन इतने अच्छे हैं कि नहीं रिजल्ट वाले प्रोडक्ट लेकर जाने, जिससे लोगों को रिजल्ट आए। तो ऐसे इंटेंशन के साथ आज हमारी टीम काम करती है, और अभी सारे प्रोडक्ट्स को भी हम डिटेल में जाकर बात करेंगे। सबसे पहला प्रोडक्ट जो आज हम डिस्कस करेंगे, दैट इज लिव अगेन लिक्विड एंड लिव अगेन कैप्सूल्स। बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है। अच्छा, लिवर कितना होता है? दो या